अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपके लिए बहुत ही हेल्दी डेजर्ट लाए हैं जिसमें हम फ्रूट्स एंड मिल्क का यूज़ करेंगे। हमने सबसे पहले यहाँ पे केनू लिया है जिसको हम इस तरीके से हाफ कर लेंगे। इस तरीके से हमने केनू के दो केनू को इस तरीके से हाफ कर लिया है और एक केनू के हम ये अच्छे से स्लाइसेस बना लेंगे। स्लाइसेस बना लिए हम, इस तरीके से हम इसके सारे बीज निकाल लेंगे। हमने यहाँ कीवी लिया है, इसको हम इस तरीके से कट कर लेंगे स्लाइसेस में। अब हमने यहाँ टू बनानास लिए हैं, इसको हम इस तरीके से कट करेंगे। अब हम इस तरह से हमारे जो फ्रूट्स हमने यहाँ कट किए थे इसको यहाँ से सेट करना शुरू कर देंगे। के बाद हम यहाँ कीवी इस तरीके से इसको प्रेस करके लगा देंगे, इसलिए यहाँ पर इस तरीके से लगा देंगे। थ्री टेबल स्पून अगर पाउडर लिया है, पैन में डाल दिया है। इसके बाद हम इसमें हाफ कप ऑफ वाटर डाल देंगे, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ हमने 150 ml मिल्क ऐड कर दिया है। इसको हम यहाँ मिक्स कर रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे 250 ग्राम्स योगर्ट, 3 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क हम इसमें ऐड कर देंगे। देख सकते हैं हमने इसको 5 से 7 मिनट तक स्लो फ्लेम पे हमने इसको पकाया और ये हमारी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी हो गई है। अब हम इसमें अपने फ्रूट्स ऐड कर देंगे। हमने इसको इसमें डाल दिया है और इसको हम रख देंगे 2 घंटे के लिए फ्रिज में कूल डाउन करने के लिए। अब हमने इसे फ्रिज से निकाल लिया है और इसके ऊपर डिश रख के टर्न करेंगे और फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे।